हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल BTUP स्टडी पॉइंट में। और फ्रेंड बात करने वाले हैं पॉलिटेक्निक के एंट्रेंस एग्जाम। दोस्तों केमिस्ट्री का जो लेसन हमारा चल रहा था, आपको पता होगा रासायनिक संयोग के नियम से जो हमारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रही थी, वही क्लासेस दोस्तों आज भी इसी में चलने वाली है। टॉप 10 क्वेश्चन दोस्तों वीडियो में बताने वाले हैं, तो वीडियो दोस्तों लास्ट तक आप जरूर देखिएगा। इसमें दोस्त आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे जो कि हर बार दोस्तों एंट्रेंस एग्जाम में पूछे गए हैं या दोस्तों आने की संभावना रहती है, तो उन्हीं क्वेश्चनों को दोस्तों अपने क्लासेस में लाते रहते हैं। तो दोस्त वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को आप शेयर करना ना भूलिएगा जिससे अधिक से अधिक स्टूडेंट के पास पहुंच सके और वे भी दोस्तों एंट्रेंस एग्जाम में अच्छे से अच्छे नंबर गेन कर सके। और दोस्तों अभी तक आपने रासायनिक संयोग के नियम के जो हमारे क्लासेस चले थे, 4 क्लासेस जो कि आपके बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, अभी तक नहीं देखा है तो नीचे दोस्तों डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिए हैं, आप वहां से जाकर एक एक क्लासेस को दोस्तों अच्छी तरीके से देख सकते हैं। क्वेश्चन करने में दोस्तों आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। चलते हैं आज का क्लासेस स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है व्युत्क्रम अनुपात का नियम का प्रतिपादन किसने किया था। ठीक है दोस्त, मैंने आपको सभी नियमों को बहुत ही अच्छी तरीके से बता दिया है कि जो हमारा व्युत्क्रम अनुपात का नियम जो प्रतिपादन किया था वो किसने किया था, तो वो आपके रिक्टर साहब ने किया था। कौन दोस्तों? रिक्टर साहब ने हमारे व्युत्क्रम नियम का दोस्तों प्रतिपादन किया था। तो दोस्तों इसका आपका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, रिक्टर ने इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा। ऐसे ही दोस्तों बेहतरीन क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंट्रेंस एग्जाम की दृष्टि से आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वही क्वेश्चनों को दोस्तों वीडियो में लास्ट तक देखिएगा, ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को अच्छे अच्छे मिलेंगे। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गुणित अनुपात के नियम को निरूपित करने वाले यौगिकों का युग्म है। तो ये क्वेश्चन दोस्तों, ये क्वेश्चन आप यहाँ पे ऑप्शन में देख सकते हैं। मैंने आपको जब भी गुणित अनुपात के नियम बता रहे थे तो उससे एग्जाम्पल जो था दोस्तों, उसके एग्जाम्पल में मैंने इसका भी एग्जाम्पल मैंने बता दिया था कि कौन सा गुणित अनुपात के नियम का पालन करता है, कौन इसका यौगिकों का युग्म है। तो दोस्त इसका आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा, CO और CO2 दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा। ये हमारे क्या है दोस्तों, ये गुणित अनुपात के नियम को निरूपित करने वाले यौगिक के युग्म हैं। ठीक है, कौन दोस्तों? CO और CO2। ठीक है, इसका राइट आंसर दोस्तों बी हो जाएगा, CO और CO2 दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे ही दोस्तों बेहतरीन क्वेश्चन आपको इस क्लासेस में मिलने वाली है, तो वीडियो को दोस्त आप लास्ट तक देखे रहेगा। और दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को आप शेयर करना ना भूलिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्लोरीन हाइड्रोजन तथा सोडियम से क्रिया करके क्रमशः HCl तथा NaCl बनाती है। यदि सोडियम हाइड्रोजन ने परस्पर क्रिया की, ठीक है दोस्त, इसमें आप क्वेश्चन अच्छे से पढ़िएगा, आपको डायरेक्ट ही समझ में आ जाएगा क्वेश्चन कह क्या रहा है और आपको डायरेक्ट ही आंसर बता देना है। ठीक है, इसमें कह रहा है क्लोरीन हाइड्रोजन तथा सोडियम से क्रिया करके क्रमशः HCl तथा NaCl बनाती है। यदि सोडियम तथा हाइड्रोजन ने परस्पर क्रिया की, इसमें दोस्त आपको कह रहा है कि यदि सोडियम Na और हाइड्रोजन H आपका परस्पर अगर क्रिया की तो इनका अनुपात कितना होगा। तो दोस्त ऐसे क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना है, सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है दोस्तों, सोडियम Na आपका कितना हो गया, 23 हो गया। ठीक है, और हाइड्रोजन का कितना हो गया, 1 हो गया। ठीक है, तो इसका दोस्तों आपका 23 संबंध एक आ जाएगा, जो आपकी ये होगी इसका अनुपात होगा 23/1। ठीक है, 23 संबंध एक दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आप ऑप्शन में देख सकते हैं दोस्तों, ये जो आपका डी है, डी यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, 23 संबंध एक इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चन आपके लिए लाए हुए हैं जो कि दोस्तों एंट्रेंस एग्जाम में आने की संभावना रहती है। तो 15 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, एक पात्र में 2.433 ग्राम बेरिलियम क्लोराइड लेकर उसमें 0.98 ग्राम सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाने पर प्राप्त बेरिलियम सल्फेट हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के भार का योग कितना होगा। ठीक है, तो दोस्त ऐसे क्वेश्चन जब भी आप एंट्रेंस एग्जाम में देखें, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें आपको बहुत ही केवल देखने में दोस्त इसमें लंबा लग रहा होगा, बाकी क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, बहुत ही इजी तरीके से आप कर सकते हैं। ओनली एक बार देख क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। इसमें आपको क्या पूछ रहा है, भार आपका दिया हुआ है और उसी भाग का क्या कह रहा है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के भार का योग क्या होगा उसको मिलाने पर दोनों को।
तो जाहिर सी बात है दोस्तों उसमें मिलाएंगे कब, जब आप दोनों को ऐड कर देंगे और डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्त आपका 2.433 और यहाँ पे 0.98, कितना दोस्तों 0.98, यहाँ पे आप इसको क्या करेंगे ऐड कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे आप क्या करेंगे इसको ऐड कर देंगे, ऐड करेंगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों, जब भी ऐड करेंगे तो इसका आंसर 3.143 ग्राम आ जाएगा, कितना दोस्तों 3.143, कितना 3.413 ग्राम इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। बी आपका इसमें ऑप्शन में बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, 3.413 ग्राम में इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं, आशा करते हैं दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन अब जब भी आएंगे एंट्रेंस एग्जाम में तो आप छोड़कर नहीं आएंगे, करके आएंगे। तो दोस्त अगर आपको अच्छे से समझ में आ रहा है एक प्यारा सा कमेंट जय हिंद करके आप हमें जरूर बताइएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, कार्बन डाइऑक्साइड के 5 नमूने विभिन्न द्वारा बनाए गए, विभिन्न विधियों द्वारा बनाए गए, प्रत्येक नमूने में 27.3% कार्बन और शेष ऑक्सीजन पाई गई। जिस नियम की पुष्टि होती है उस नियम को प्रस्तुत करने वाले वैज्ञानिक थे। तो दोस्त जो हमारे कार्बन के जो 5 नमूने के विधियों द्वारा प्रत्येक में जो अगर आपका जिसमें आपका ऑक्सीजन बनता है, जिससे क्रिया करने के बाद दोस्तों आपका ऑक्सीजन शेष रह जाता है, वो नियम आपका जिन्होंने दिया था उसका प्रतिपादन करने वाले जो हमारे वैज्ञानिक थे वो कौन थे, फ्रेंच थे। कौन दोस्तों, फ्रेंच थे। तो दोस्तों ऑप्शन में आपका बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, फ्रेंच साहब ने इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक पात्र में 117 ग्राम AgNO3 तथा 58.5 ग्राम NaCl मिलाकर हिलाते हैं। रासायनिक अभिक्रिया से सिल्वर क्लोराइड तथा सोडियम नाइट्रेट बनते हैं। अभिक्रिया के बाद कुल द्रव्यमान कितना होगा, ये क्वेश्चन दोस्तों पॉलिटेक्निक के एंट्रेंस एग्जाम 2005 में पूछा गया है। और दोस्त आपको इसी टाइप के एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन पेपर देखने को भी मिल जाएंगे। केवल केवल दोस्तों इस सब में आपको बस लंबा चौड़ा दिया होता है, आप देख कर घबरा जाते हैं, तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। इसमें आपको जो दिया हुआ है, अगर कोई भी आपका वो दिया हुआ है, कोई भी रासायनिक वो है आपका, तो इसमें आपको जो भार दिया हुआ है, जो भी द्रव्यमान है दोस्तों, अगर आप एक का द्रव्यमान दिया हुआ है और दूसरे का भी द्रव्यमान दिया है, तो उसको मिला कर अगर घुमा के हिला के फिर छोड़ देंगे तो उसका जो द्रव्यमान होगा दोस्तों वो क्या रहेगा, उतना ही रहेगा, ना तो घटेगा द्रव्यमान और ना ही बढ़ेगा, क्योंकि मिक्स करने पर किसी का द्रव्यमान घटता या बढ़ता नहीं है, ठीक है। तो दोस्त इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, उतना ही होगा, ठीक है, उसके द्रव्यमान में कोई भी परिवर्तन नहीं आएगी, सेम और सेम वही द्रव्यमान होगा जो कि 170 ग्राम है और 58.5 ग्राम है, ठीक है। तो जितना पहले द्रव्यमान था मिलाने पे उतना ही द्रव्यमान होगा, ठीक है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, उतना ही होगा दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, रासायनिक समीकरण किस नियम के अनुसार संतुलित होती हैं, ठीक है। 19 नंबर दोस्तों आपको क्वेश्चन है, रासायनिक समीकरण किस नियम के अनुसार संतुलित होती हैं। तो दोस्त अभी तक आपने क्लासेस को नहीं देखा है तो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप वहां से जाके एक एक क्लासेस को अच्छी तरीके से देख लीजिए। जब भी आप क्वेश्चन करने लगेंगे दोस्तों एक भी क्वेश्चन आपका छूटने नहीं पाएगा, बहुत ही अच्छी तरीके से डायरेक्ट देखते ही आप आंसर लगा देंगे, ठीक है। तो दोस्त इसका जो आपका रासायनिक जो समीकरण हमारा बनता है वो आपका द्रव्यमान संरक्षण के नियम के आधार पर संतुलित किया जाता है, ठीक है। जो भी समीकरण बनता है उसे हम द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार संतुलित करते हैं। तो दोस्त इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा सी दोस्तों, ऑप्शन में इसका राइट आंसर हो जाएगा, द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। आशा करते हैं दोस्तों क्लासेस आपको अच्छी तरह समझ में आ रही है। तो 20 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, द्रव की अविनाशिता का नियम निम्न में से किस अभिक्रियाओं के लिए सत्य नहीं है, ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं दोस्तों, द्रव की अविनाशिता का नियम निम्न में से किस अभिक्रियाओं के लिए सत्य नहीं है। तो ये दोस्तों आपको अपचयन अभिक्रिया के लिए भी सत्य है, रासायनिक अभिक्रिया के लिए भी सत्य है, आक्सीकरण अभिक्रिया के लिए भी सत्य है, लेकिन दोस्त नाभिकीय अभिक्रिया के लिए सत्य नहीं है, ठीक है। किसके लिए दोस्तों, नाभिकीय अभिक्रिया के लिए, यह जो आपका अविनाशिता का नियम है, द्रव के अविनाशिता का नियम, ये आपका नाभिकीय अभिक्रिया के लिए सत्य नहीं है। तो इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, आपका जो है नाभिकीय अभिक्रियाओं के लिए ये नियम सत्य नहीं है, ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। आशा करते हैं क्वेश्चन आपको ये वाला समझ में आ गया होगा। 20 नंबर, 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों।
किसी यौगिक को चाहे किसी भी विधि द्वारा बनाए जाए उसमें उपस्थित अवयवी तत्वों का अनुपात सदैव निश्चित रहता है, यह कथन किसने कहा था? ठीक है, तो दोस्त ऐसे यह कथन आपको कौन कहा था कि किसी यौगिक को चाहे किसी भी विधि द्वारा बनाया जाए उसके उपस्थित अवयवी तत्वों का अनुपात सदैव निश्चित होता है, ये आपके किसने कहा था दोस्तों? तो ये आपके जो हैं वो आपके प्राउड साहब ने किया था। ठीक है, जब भी उन्होंने अपना नियम बताया था तो नियम में ही उन्होंने ये भी कहा था। और दोस्तों अभी तक क्लासेस को नहीं देखा है तो क्लासेस नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ पे जाइए, एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरीके से देखिए, एक एक क्लासेस को जब भी पढ़ेंगे, जब भी क्वेश्चन करने आएंगे दोस्तों, तो ये सब जितने भी नियम मैंने हैं बहुत ही अच्छी तरीके से वहाँ पे बताए हैं। तो दोस्तों इसका प्राउड साहब का राइट आंसर हो जाएगा, प्राउड साहब ने इसका ये जो कथन कहा था ये प्राउड साहब ने किया था, बी दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं दोस्तों आज की क्लासेस आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गई। तो दोस्त जो भी हमारे चैनल पहली बार विजिट कर रहा है चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और दोस्त आपको बता दें जो आपकी सुबह की क्लासेस चल रही है मैथ की, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासेस, 10 क्वेश्चन दोस्तों टॉप 10 क्वेश्चन लाते हैं। और दोस्तों केमिस्ट्री का शाम को आपका केमिस्ट्री और फिजिक्स चलता है, आज दोस्तों केमिस्ट्री का जो आपका था वो आपका लास्ट क्लासेस था, इसके बाद दोस्तों नया आपका लेसन स्टार्ट होगा और बहुत ही अच्छी तरीके से उसको भी समझाया जाएगा। तो दोस्त आपका जो अब कल का जो क्लासेस चलेंगी वो आपकी फिजिक्स की चलेंगी शाम को, ठीक है, और जो सुबह चलेंगी वो 10 बजे से चलेंगी, ठीक है। और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं दोस्तों वो चाहे आपके जो इंट्रेंस एग्जाम में पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे गए हैं, और मॉडल पेपर आपको बहुत ही जल्द इसमें देखने को मिल जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद।